देखिए इन दिस क्वेश्चन दिस पार्टिकल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड यू 4√3 m/s. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2L एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इनिशियली L. इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हेन दिस पार्टिकल विल बी इन दिस पोजिशन व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टाइट दिस लेंथ इज L एंड द लेंथ इज 2L. 2L and this is L. B particle is moving in the direction, so its velocity, component of velocity initially this is u cos theta, this is theta, so u cos theta. Along the string, when a string becomes tight, then A particle and B particle will move in this direction, in the direction of the string. तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग बिकम्स कॉन्स्टेंट. सो इनिशियल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, इनिशियल मोमेंटम इज एम यू कॉस थीटा, दिस इज थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू एल बाई टू एल, सो 1/2, सो थीटा इक्वल्स टू 30 degrees. सो थीटा इज 30 degrees. एम यू कॉस थीटा इनिशियल मोमेंटम, सो एम यू इंटू √3/2 इनिशियल मोमेंटम. और दूसरी पार्टिकल का मोमेंटम जीरो था, बाद में बोथ पार्टिकल्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी. सो फाइनल मोमेंटम बिकम्स ट्वाइस एम वी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो एम वी, दिस इज ऑल्सो एम वी. सो मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग मस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एम यू √3/2 इक्वल्स टू 2 mv. सो v इक्वल्स टू यू √3/4. नाउ वी कैन सॉल्व इट. सो 4√3, 4 कैंसिल, सो दिस इज 3 m/s इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. दिस इज आंसर.